स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5. इट्स नेम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. एज वी ऑल नो, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज वी कैन से बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. मीन्स दीज ऑर्गेनिज्म शो great biodiversity, not only in shape, size and structure, but also in their functioning. But all these organisms perform certain basic functions in a similar manner and are formed of one or more compartment, and these compartments are called cells. So all living organisms are cellular in nature, means we can say they are made up of cell, and cell is said to be smallest structural and functional unit of life. Cell ko hum kya kehte hain? Structural or functional unit of life kehte hain. Theek hai, means har ek living organism hai wo kiska bana hai? Small compartments ka bana hai, aur wo un small compartments ko hum kya bolte hain? Cell. Uske baad hai in 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. उसने क्या किया कि पेड़ की जो कॉर्क थी, मीन्स बाहर वाली जो लेयर है कॉर्क को रिमूव करके, उसने सेल्फ डिज़ाइंड जो माइक्रोस्कोप थी उसमें उसने उसको ऑब्जर्व किया कि किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है. एंड ही व्हेन ही ऑब्जर्व दैट इट लुक्स लाइक अ हनीकॉम्ब, वो हनीकॉम्ब की तरह दिख रही थी और उसमें छोटे छोटे वो कंपार्टमेंट्स थे, और वो कंपार्टमेंट्स मीन्स लिटल रूम जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल है. इससे हमें उससे ये हो गया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल, इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. कि ये बेसिक यूनिट हो गया क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका बना है, सेल का बना है. वी विल ऑल्सो ऑब्जर्व इन द अनियन पील, इफ वी विल टेक अनियन पील एंड वी विल सी इट अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड बट वी विल सी अनियन पील इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, एंड दीज यूनिट्स आर नोन एज द सेल्स. एंड इन साइड द सेल देर आर सम डॉट्स आर देयर, दीज आर द न्यूक्लियस. मीन्स एवरी सेल हैज़ अ वन न्यूक्लियस, एंड अदर एम्प्टी स्पेस इज द विच जेली लाइक सब्सटांस इज अ साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट इज द देर आर वेरियस सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, बिकॉज वी आर सेइंग सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स हैं जो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एक ही तरह के सेल जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते. उनकी स्ट्रक्चर और उनकी स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग बनी है, सेल्स की स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग बनी है. एज वी नो इन नर्व सेल में देखो तो नर्व सेल की जो लॉन्गेस्ट सेल है, ये क्यों लॉन्गेस्ट सेल है, क्योंकि इसने इसका मेन फंक्शन होता है इट विल ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट. दूसरे पार्ट तक इसने क्या है, मतलब क्या है, इसने सेंड करने मैसेजेस, इसलिए क्या है इसकी जो लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होती है. मीन्स हर एक जो सेल है उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर है, और वो किसके लिए, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. एज वी आर सेइंग वी कैन सी हियर ब्लड सेल्स, बोन सेल, मसल सेल, स्पर्म, फैट सेल एंड अवम, दीज आर ऑफ डिफरेंट cells in the human body. Next is the type of organism on the basis of the number of cells. अब हम क्या है, cell जो organisms है उसकी types के according, उस means हम उसकी different types भी categorize कर सकते हैं. On what basis? On the number of cells, means उसमें कितने number of cells present है. We can divide it into two types, unicellular organism and multicellular organism. Unicellular organism, as we can see from the name, uni means one, means those organism which are made up of only one type of, means single cell, these are known as the unicellular organism. And example is the amoeba, bacteria, paramecium.
नेक्स्ट इज द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. उसमें अलग तरह के सेल्स होंगे और अलग तरह के फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे. एंड इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग. इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? लॉन्ग होता है. और यूनिसेलर का लाइफ स्पैन क्या है? शॉर्ट है. नेक्स्ट इज द इसकी एग्जाम्पल. मल्टी सेलर की एग्जाम्पल्स क्या हैं? ह्यूमन, ट्री, एनिमल्स एटसेट्रा. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो.